बाद मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया DPT में, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी में। उसके बाद मैंने रिफाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से PGD किया है, जिस प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी में। रिसेंटली अभी मैं हेल्थ रिसर्च में मास्टर्स कर रहा हूँ और साथ साथ मैं MPhil कर रहा हूँ सरद यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंसेस। असल में DPT, जिस तरह इसका नाम है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, ये FSC प्री मेडिकल के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड की ज़रूरत 2005 का जब जलजला हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हमारे मुल्क में आ गई, तो उसके लिए हमें बाहर से इस किस्म के जो स्पेशलिस्ट है, जिनको हम फिजियोथेरापिस्ट कहते हैं, वो बुलाने पड़े और इसकी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महसूस किया गया। DPT जो डॉक्टर है, ये 2010 में शुरू हो गया। इसकी ज़रूरत हमारे आम लोगों में भी है, हॉस्पिटल्स में भी है, जहाँ भी हम दर्द के मसले हो गए, कमर दर्द हो गया, शियाटिका हो गया, बैक पेन, और इसके साथ साथ स्ट्रोक और बहुत सारी ऐसी और बीमारियां हैं जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं। पीड्स में भी हम जा सकते हैं, बच्चों में जिस तरह से CP वगैरह के कंडीशंस हो गए, काडा इक्वाना सिंड्रोम्स, ये सारी चीज़ें हमारे इस डोमेन में आते हैं फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट में। लेकिन इसको ऑर्थोपेडिक या बाकी MBBS के साथ ओवरलेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका एक अलग डोमेन है, एक अलग वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक अलग कंसेप्ट्स के साथ हम अपनी ट्रीटमेंट्स एप्लीकेशन करते हैं। हमारी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है एक्सरसाइजेस से, प्रॉपर पोजीशनिंग से, और उसके साथ साथ कुछ हम मोडालिटीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, और मैनिपुलेटिव कुछ टेक्निक्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम कहते हैं कि जितना नेचुरली हो सकता है, जितना नेचुरली विद एक्सरसाइजेस हो सकता है, जितने हम मोबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम फिजियोथेरेपी पे काम करते हैं, और फिजियोथेरेपी में ये सारे डोमेन्स को इन्वॉल्व किया जाता है और इसी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या DHQ लेवल तक फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉपर 17 ग्रेड बीइंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हायर किया जा रहा है उनको, तो हॉस्पिटल्स में भी OPDs में हम ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में IPDs में जो इन वार्ड्स पेशेंट होते हैं वो भी इन सीवियर नीड ऑफ मोबिलिटी होते हैं, तो उनमें भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं और उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। रिसेंटली मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ अपने एरिया में, तो वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे मसले होते हैं, या रेडिकुलोपैथीज़ के प्रॉब्लम आते हैं, लो बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, तो अक्सर अवकात उनको सर्जरीज एडवाइस की जाती है। लेकिन फिजियोथेरेपी के आने के बाद ये सर्जरीज पे इतना एम्फेसाइज या लोड बहुत कम हो गया है, क्योंकि बाय पोजीशनिंग और उनकी जो प्रॉपर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 80-90% जो रिजल्ट्स हमने देखी हैं जितने भी पेशेंट्स में हमने अप्लाई किए हैं फिजियोथेरेपी को, तो वो ठीक हो गए, उसी से वो जो सर्जरी है उससे बच गए। बाकी मेरा एक रिसर्च भी है, उस पर हमने देखा कि जो लोग फिजियोथेरेपी प्लस स्टैंडर्ड मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, खासकर COPD के पेशेंट्स, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन का जो टाइम होता है उनका, वो रिड्यूस हो गया ऑलमोस्ट 6-7 days पे, कि अगर वो 14 days हॉस्पिटल में गुजारते थे तो वो 6 दिन कम हो गए, वो 6 दिन गुजारते हैं जब उनको फिजियोथेरेपी दी जाती है हॉस्पिटल्स में, या बीइंग एज अ ट्रीटमेंट उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है मेडिकेशन के साथ, तो इससे एक हॉस्पिटल पे या वार्ड्स पे लोड भी कम हो रहा है, के पेशेंट्स के जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो लो बैक पेन के जो पेशेंट्स हमने देखे तो उसमें तो रिजल्ट्स किसी में लाइक अगर हम एवरेज में ले लें तो 90% में कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। तो DPT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग कहते थे कि रेस्ट करें, अभी हम कहते हैं नहीं, रेस्ट ना करें, जितने आप बॉडी को मोबाइल रखते हैं उतना आपकी जो हीलिंग होती है वो प्रोसेस इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से DPT आ गई। दूसरी हमारे पास जो डिसेबिलिटी है, जितने डिसेबल लोग हैं हमारे डे टू डे लाइफ में,
उनको फिजियोथेरेपी डील करती है। हमारी एक कोटेशन है कि वी डोंट गिव डेज टू लाइफ, वी गिव लाइफ टू डेज। कि आपकी अगर 2 साल की ज़िंदगी है ना, तो आप इंडिपेंडेंट लीजिए, ना कि किसी पर डिपेंडेंट हो कि आपको पकड़ के वॉशरूम लेके जाया करें, फिर उठाएं बिठाएं। तो आप इंडिपेंडेंट, खुद हम आपके मसल्स पे काम करते हैं, आपके जॉइंट्स पे काम करते हैं, आपके बॉडी के जो मैकेनिक्स हैं उस चीज़ पे काम करते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर क्या है, हम मोबिलिटी को रिस्टोर करते हैं। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्जरीज हो रही हैं, जिन चीज़ों में सर्जरीज नहीं होनी चाहिए उस पर सर्जरीज हो रही हैं। तो विद फिज़िकल थेरेपी हम उन सर्जरीज या उस बर्डन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करें। और अगर MBBS और BDS और बाकी जो मेडिकल साइंसेज हैं उनसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इम्पोर्टेंस सबकी एक जैसी है। अगर आप MBBS को ले लें तो उसके अलग एक डोमेन है, उसमें वो काम करते हैं, उसके बगैर वो नहीं चलता। क्योंकि अभी दुनिया में एक होलिस्टिक मेडिसिन वाला अप्रोच चल रहा है कि सारे लोग कंबाइनली किसी प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो MBBS, BDS, नर्सिंग स्टाफ, एलाइड हेल्थ साइंसेज और फिजियोथेरेपी, ये सारे मिलके किसी भी कंडीशन को डील करते हैं। MBBS के कुछ अगर हम स्टडी वाइज देखें तो कुछ उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं, बिकॉज दे आर, वो भी ह्यूमन बींग के साथ डीलिंग कर रहे हैं, हमारी भी ह्यूमन बींग के साथ डीलिंग है। तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, लेकिन फिर हमारे एक साइड पे हम निकल जाते हैं जिसको हम मोबिलिटी की तरफ जाते हैं, कि मूवमेंट साइंस, क्योंकि फिजियोथेरेपी को साइंस ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, कि मूवमेंट किस तरह से जॉइंट्स में होती है, मसल्स में होती है, या उन मूवमेंट्स का जो इफेक्ट है वो बॉडी पे किस तरह से होता है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। MBBS ज़्यादातर मेडिसिन और सर्जरीज की तरफ जाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि हमारे उसमें मेडिसिन और सर्जरीज को हमने थोड़ा सा कट डाउन किया हुआ है, और हम एक्सरसाइजेज और फिजिकल मेडिसिन, मफ टिश्यू वर्क, इन चीज़ों पे जाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। जिस तरह से बाकी फील्ड्स में भी विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ आसानियाँ पैदा होती हैं, उनकी एफिकेसी इंक्रीज होती है, सेम फिजियोथेरेपी में भी उसी तरह से एडवांसमेंट आती है। क्योंकि हमारे एक पूरा एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिनको हम फिजिकल एजेंट्स और इलेक्ट्रोथेरेपी, तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ मशीनें इस्तेमाल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें डील होती हैं। तो जाहिर बात है वो उस टाइम वाले जो टेक्नोलॉजी थी और अभी की जो टेक्नोलॉजी है उनकी एफिकेसी और इस तरह से वो एडवांसमेंट आ रही है, और वो ट्रीटमेंट पर भी पॉजिटिव असर दे रही हैं वो चीज़। दूसरी फिजियोथेरेपी में एक कंसेप्ट ये है कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि दीज हैंड्स आर आवर मशीन्स, दीज आर आवर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इसी हाथ से ही हम उन जॉइंट्स को और उन मसल्स को, उन सारी चीज़ों की करेक्शन करते हैं और उनकी मोबिलिटी को रिस्टोर करते हैं। तो ज़्यादातर मशीनों पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता फिजियोथेरेपी में, अपने हाथों से ही पेशेंट को डील किया जाता है। लेकिन एडवांसमेंट लाजमी है, और उस एडवांसमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट स्टिल फिजियोथेरेपी के उस डोमेन ऑफ ट्रीटमेंट से में भी हमें महसूस होता है। अगर हम कहें कि पहले देखा जाए तो ट्रैक्शन मशीन हम मैन्युअली करते थे, विद हैंड्स करते थे, लेकिन उस पे फिजियोथेरेपिस्ट खुद भी स्ट्रेस हो जाता था और पेशेंट्स का वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट फॉलो अप नहीं हो सकती थी उस चीज़ की। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन मशीन्स आई हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास बेड्स आए हुए हैं, जो एग्जामिनेशन बेड्स होती हैं वो सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो वो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर ली है, और वो ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिवली कर सकता है, और साथ साथ में पेशेंट को भी थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कि वो थोड़ा सा अपने आप को उन मशीन्स में या उन टेक्नोलॉजी में ज़रा सेफ महसूस करता है, एज कम्पेयर टू 10 ईयर्स बैक या 5 ईयर्स बैक की जो टेक्नोलॉजीज थी उस। इससे अपना क्लिनिक चला सकते हैं, उसमें आप इंडिपेंडेंटली पेशेंट देख सकते हैं, साथ साथ दूसरे इनोवेटिव आइडियाज़ आप इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम डिफरेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही स्पोर्ट्स से है, मूवमेंट से है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स जितनी टीम्स होती हैं हम उनको कह सकते हैं, उनको अपने जो हमारी
सर्विसेज हैं उनका बता सकते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प दियर स्पोर्ट्स टीम, तो ये भी एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। दूसरा, जॉब्स डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर पे भी ग्रेड 17 में जॉब्स आती हैं इसकी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और ये अभी तक अनसेचूरेटेड फील्ड है। मैं अनसेचूरेटेड इसीलिए कहूँगा कि अभी तक PhDs 4-5 countable लोग हैं कि आप उसको काउंट कर सकते हैं इसमें PhD में गए हुए हैं, तो स्टिल देयर इज अ लॉन्ग गैप, लॉन्ग वैक्यूम, जिस तरह से आपने कहा कि उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा गैप है कि उस वैक्यूम को फिल करें। और अभी बहुत सारे हमारे ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं और उसके फाउंडर्स अभी नए नए लोग हैं, नए नए बच्चे हैं कि वो इसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जस्ट 10-15 ईयर्स में ये DPT शुरू हुआ है, इससे पहले DPT था ही नहीं, 5 ईयर्स का कोर्स नहीं था। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू बहुत सारी न्यू इनोवेशन इसमें आ रही हैं और उसी इनोवेशंस की वजह से ही ये फील्ड परसू कर रहा है। जिस तरह से मैं 10 साल पहले देख रहा था, अभी 10 साल बाद वो कम्प्लीटली एक नया पिक्चर है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और ये मूवमेंट्स के साथ और स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जो स्टूडेंट उसको स्पोर्ट्स साइड पर बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हो कि उनके जो खिलाड़ी हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, जो जो एथलीट्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए, तो वही लोग इस साइड पर आए। और दूसरा, उनमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा क्रिएटिव काइंड ऑफ प्रोफेशन है कि इसमें आपको जहन से सोचना पड़ेगा और एक ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इन बुक्स हैं बस उसी चीज़ के लिए, ये एक चीज़ है, तो क्रिएटिविटी लाजमी है तो ऐसे स्टूडेंट्स। और दूसरा ये कि जो वाकई में माजूर लोग या इन लोगों की खिदमत करना चाहते हों, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हों, तो वो स्टूडेंट्स इस साइड पे आएँ। इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए आपको, एनाटॉमी का, आपको फिजियोलॉजी का और आपको बायोमैकेनिक्स का, कि आपकी बॉडी मूव क्या किस तरह से करती है। एक जगह पे अगर मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो या वहाँ पे मोबिलिटी नहीं है, तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा और जगहों में शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हम मैनिपुलेशन एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि उसमें आप स्पाइन में एक टक की आवाज़ निकालता, मैनिपुलेशन उसको कहते हैं। सो वो क्लिक साउंड जो होता है उसमें एक्चुअली आप वहाँ से वहाँ की जो मोबिलिटी है ना उसको मेनटेन कर लेते हैं। किसी के जहन में इस तरह के क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल कि ये एक्सरसाइजेस किस तरह से आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें असल बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगी कि अच्छा ये किस तरह से ब्लड सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल हम जब मसल्स को यूज़ करते हैं तो मसल नीड्स एक्सट्रीम ब्लड सप्लाई। वो ब्लड सप्लाई में ही हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, खुराक होता है, वो सारी चीज़ें उसी में होती हैं। तो आप अगर एक जगह को ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं तो अल्टीमेटली इन सिंपल वर्ड्स आप वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज कर देते हैं और जितनी जल्दी आपकी हीलिंग प्रोसेस होगा उतनी जल्दी आपको नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे या रिलैक्स सिचुएशन में आप रहेंगे। सेम इज़ द केस विद द ब्रेन, कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ से ब्लड सप्लाई मसल्स की तरफ चली जाती है, वहाँ पर कम हो जाती है। फिर जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो इन अ रश ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ चली जाती है। तो जितना ज़्यादा खुराक आप ब्रेन को प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वो तेज़ काम करेगा, रिलैक्स होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन मींस के इन टिश्यूज़ को या इन सेल्स को अगर खुराक मिल रही है तो ये रिलैक्स रहेंगे, अगर खुराक नहीं मिल रही है, कोई मोबिलिटी डेफिसिट है, तो उस वजह से ये रिलैक्स नहीं रहेंगे। तो सेम ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं कि ये लोग फिर फिजियोथेरेपी में आके इनके ये सारी क्लेरिफिकेशन हो सकती है कि हाउ ऑल दिस होल प्रोसेस वर्क।